ये बेल्ट में लगा लूं क्योंकि आते समय मैं फाइन मार्क फाइन भर के आ रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। ये ब्लॉग है सैटरडे का, तो हैप्पी सैटरडे। वीकेंड का टाइम होता है तो आज कोई प्लान तो था नहीं मॉल में आने का, फिर भी हमें आना पड़ा। मैं आपको बताती हूँ बाद में क्यों आए हम यहाँ पर। तो अचानक से प्लान बन गया, कुछ काम आ गया था, बताती हूँ मैं आपको कौन सा काम आ गया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने सोचा अपना वीडियो भी बना लेती हूँ, बाहर आई हूँ तो चलिए फिर। ये शाम का ब्लॉग है 4 बजे का। H&M चलते हैं, इधर नहीं है, गलत जगह आ गए। पापा का काम हो जाएगा फटाक से, हम लोग चलो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। वीडियो ले सकते हैं ना, कहीं भी वीडियो लेने के लिए मैं परमिशन ज़रूर ले लेती हूँ। सबसे अच्छा रहता है परमिशन ले लेना, किसी को अच्छा लगे किसी को ना अच्छा लगे। किसी को होता है ना कि हमारी चीज़ें शेयर ना करो, तो मैं परमिशन ले लेती हूँ। यहाँ पर आ गए थे हम लोग मॉल के छोटे से दुकान में। ऐसा हुआ आज कि इनका शूज़ जो था 1 महीना भी नहीं हुआ था और वो फट गए थे खेलते समय, मैच खेलते समय, तो उसे ही रिटर्न करने आए हैं। और वो हस्बैंड गए हैं अपना रिटर्न करने के लिए और हम लोग यहाँ पे मॉल में हैं क्योंकि हमारी पार्किंग मॉल में है। क्या हुआ कि पार्किंग मिल नहीं रहा था रोड पे, तो हमने सोचा कि मॉल में ही पार्किंग लगा देते हैं और हम थोड़े बहुत यहाँ पे घूम रहे हैं। तो देखिए, मुझे टेडी बहुत पसंद है, टेडी देख रही हूँ मैं और सौम्या। वैसे तो कुछ लेना है नहीं, फिर भी अगर हम दुकान में घुस जाते हैं तो फिर होता है कि कुछ ले लो, अच्छे कुछ चीज़ें दिखती हैं तो मन हो जाता है कि चलो भैया कुछ ले लेते हैं, और हमारी बजट भी बहुत अच्छी खासी बन जाती है। बिना मतलब का शॉपिंग है ये। शुगर ले, शुगर ये देख पिंक में भी है ऊपर। पर्पल, पर्पल भी अच्छा है। कौन सा अच्छा है? मुझे पर्पल अच्छा लगा। नहीं, एक बार पिंक देखो, ये पिंक, ये वाला, ये मुझे पर्पल, ये वाला अच्छा लगा, ये वाला मल्टी कलर छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है और वो वाला और बड़ा है। कौन सा? ये पर्पल, वो भी उतारो देखते हैं। दिखा दिखा दिखा, ये वाला, ये सिंपल है थोड़ा। नहीं, ये वाला नहीं अच्छा लगा तुझे? हटो, देखने दो, यही लेते हैं। ठीक है, क्यूट तो है, चलो यही डन करते हैं। वैसे तो हमारे किचन में सब चीज़ें अवेलेबल है, सब चीज़ें एक्स्ट्रा है, तो भी हम लोग को मन करता है कि हम जब ऐसे स्टोर में ऐसे दुकानों में आ जाते हैं तो मन करता है कि किचन की चीज़ें और भी चीज़ें ले लें जो नया नया दिखे। तो वही मेरी हाल है, तो मैंने भी थोड़े बहुत ही किचन के सामान लिए और तो कुछ भी नहीं लिया, और बाकी जो चीज़ें ली थी मैंने और उसे डिस्कार्ड कर दिया, नहीं लिया। जो देखा था हमने, जैसे टेडी देखा था, वो चीज़ें भी नहीं ली। किचन की चीज़ें ली मैंने जो मुझे ज़रूरत लग रही थी। वैसे तो मेरे पास किचन में जगह नहीं है लेकिन सामान बहुत है, आधा सामान मैं गांव के किचन में शिफ्ट कर दी हूँ
क्योंकि वहाँ पे नया किचन बना है। कभी गांव जाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी मैं अपना किचन गांव का। तो यही है आज का ये वीडियो, बॉटल वगैरह यही सब चीज़ें थी। तो मैंने सोचा कि बाहर निकली हूँ तो वीडियो भी बना ही लेती हूँ, थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ। तो बस आज का वीडियो कुछ कुकिंग वगैरह का तो है नहीं, बस जो बाहर निकली थी वही शूट किया और वही वीडियो बना दिया। तो यहाँ पर हस्बैंड का काम हो चुका था, सूज चेंज हो चुका था, वो हमें लेने के लिए आ गए थे। और हम लोग को आइडिया नहीं आया कि हम लोग दूसरे दुकान में भी जाकर देख सकते थे कि और भी कुछ अच्छी चीज़ें ले सकते थे, लेकिन हम लोग उसी दुकान में गए थे और वहीं से शॉपिंग किया जो करना था। दूसरी दुकान में हमने चेक नहीं किया कि और भी कुछ अच्छी चीज़ें मिल सकती है हमें। कोई बात नहीं, वैसे भी कुछ लेना नहीं था हमें, फिर भी लेकर आ गए। तो चलिए फिर अब निकल रहे हैं घर पर जाने के लिए। यहाँ पे रिटर्न हो रही हूँ मैं, और यहाँ पर हुआ कि चलो कुछ खा लेते हैं, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था खाने का, तो नहीं खाया हमने। हमने एक एक आइसक्रीम खाई और घर के लिए निकल पड़े। हुआ कि हम लोग चाट वगैरह खाएंगे, जैसे पानी पूरी, सेव पूरी, ये सब चीज़ें खाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं खाए, आइसक्रीम लिए और खाते खाते ही निकल लिए हैं। मैं आपको बता दूं कि आते समय मुझे फ़ाइन लगा था। वैसे तो 1000 रुपये की बात हुई थी, बट उन्होंने मुझे 500 में छोड़ दिया क्योंकि मैंने बेल्ट नहीं लगाया था। जैसे ही देखा मैंने पुलिस वालों को, वैसे ही मैंने सोचा बेल्ट लगा लो, लेकिन वो लोग ने देख लिया और फ़ाइन मारा। मैं लगा लूं क्योंकि आते समय मैं फाइन भर के आ रही हूँ। वो लोग सनफ्लावर में इधर एक बस एक मिनट के लिए काट ले। एक ही बिल्डिंग खड़ी है।
बस आज के ब्लॉग में इतना ही शूट किया था मैंने और आप लोग से शेयर किया। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, आप लोग को मेरा वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।